डॉक्टर साहब, ये ओरो डेंटल का प्रोप्राइटर आप हैं, डॉक्टर भी आती हैं, नाम बता दीजिए। नाम डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी। डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी, सर ये जो आपने इसका आज ओपनिंग किया है, तो जयनगर में तो बहुत सारे ये दांत के डॉक्टर्स हैं, तो आपके यहाँ खास क्या है? सुबह मैं पहले यहाँ 13 साल से पहले भी प्रैक्टिस करता जी, ठीक है, जो कि सरकारी बस स्टैंड के बाद मेरा क्लिनिक था, लेकिन स्पेस कम होने और इक्विपमेंट का यहाँ पे लेटेस्ट इक्विपमेंट की बहुत ज़रूरी थी, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। साथ में हम लोग नया चीज़ एक ब्लीचिंग भी एड की है, प्लस क्या है हम लोग के यहाँ इम्प्लांट, जॉ फ्रैक्चर और दांत का और माउथ का छोटा से लेके बड़े बीमारी तक का यहाँ पे इलाज होता है। हमारे यहाँ पे 3 और डॉक्टर हैं, ठीक है, 2 विजिटिंग भी हैं, और साथ में हम लोग एक फैमिली डेंटल हेल्थ कार्ड का भी 15 दिन के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कम ट्रीटमेंट, कम चार्ज में पूरे साल भर पूरे फैमिली का ट्रीटमेंट हम लोग दे पाएंगे डेंटल से रिलेटेड। साथ में हम लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन और फेशियल एस्थेटिक का भी 6 महीने के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग अपना यहाँ पे स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ख्याल रखें, ताकि कोई भी पेशेंट आए इन्फेक्शन के बिना हम और इन्फेक्शन के बगैर उसको बाहर भेज सकें। सर, आपके जो सहयोगी डॉक्टर्स हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर सुरेश हैं, जो पटना के से बिलोंग करते हैं। यहाँ रेगुलर रहेंगे वो लोग? रेगुलर। सर, ये इस मशीन के बारे में आप हमको बताइए, ये मशीन क्या है, किस काम में उपयोग करते हैं? ये मशीन डेंटल चेयर है जी, इसमें हम इम्प्लांट भी कर सकते हैं, एयर ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं, स्केलिंग भी कर सकते हैं, कोई भी मशीन लगा होगा, कोई भी अगर दांत लगाना हो उसके लिए एरोकट लगा हुआ उससे भी हम काम कर सकते हैं, मतलब इस मशीन से टोटल टूथ और माउथ से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। सर, आपको पुराना जो वहाँ क्लिनिक था बॉस स्टैंड के पास, उसमें तो ये मशीन सब नहीं लगा हुआ था? नहीं, ये मशीन था लेकिन लेटेस्ट क्वालिटी का लेटेस्ट मंगवाया है। सर, इसके बारे में बताइए, इस मशीन के बारे में बताइए, ये मशीन क्या है? ये ब्लीचिंग इंजेक्टर है, इससे हम टूथ ब्लीच करते हैं, ठीक है, किसी तरह का टूथ में स्टैंड पड़ गया जो कि नॉर्मल स्केलिंग से नहीं जा रहा, ठीक है, तो ब्लीचिंग से हम उसको ठीक कर सकते हैं। सर, इसके बारे में बताइए। वो पहले वाले जो डेंटल चेयर दिखाया उससे भी लेटेस्ट चेयर है, इसमें सब कुछ इनबिल्ट है, न्यूमेटिक सेक्शन भी है, साथ में आपको इंफ्रारेड कैमरा है जो कि पेशेंट आपको सब कुछ जो भी ट्रीटमेंट होता रहता है इसमें देख पाएगा, माउथ में क्या प्रॉब्लम है तो जो पेशेंट को हम लोग बताते थे वो कुछ सामने से देख पाएगा। सर, एक चीज और बताइए, ये जो जयनगर इलाका जो है ये तो गरीबों का क्षेत्र है, तो आपका इलाज यदि महंगा होगा तो साधारण परिवार के लोग तो नहीं करा पाएंगे इलाज? शुरू में भी हमारा ट्रीटमेंट कोई महंगा नहीं था, ठीक है, विद इन रेंज ही था, और ट्रीटमेंट पहले जैसा था उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बड़ा क्लिनिक और हॉस्पिटल खुल गया तो पैसा पड़ जाएगा, मतलब यहाँ के इन्वायरमेंट को देखते हुए आप एडजस्ट करेंगे उसको। मरीज आएगा तो यहाँ से निकलना ही नहीं चाहेगा, मरीज आएगा तो निकलना चाहेगा जी, आप ही ना बोल देते बड़ी बात कंजेस्टेड है निकलना। ये सब तो बहुत जरूरी था, बहुत अच्छा है, इससे भी प्रभाव पड़ता है ना। कहाँ से आए हैं आप लोग? सिरहा नेपाल से आए हैं। ये ओरो डेंटल में अभी आप है जी, देखने के लिए आए हैं, आज उसका उद्घाटन है, तो आपने देखा इसको, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग तो पुराने पेशेंट, पुराने मरीज, पुराने शुभचिंतक डॉक्टर साहब के हैं, नेपाल से काफ़ी लोग इलाज करा के गए हैं और सब लोग खुश हैं अपनी अपनी जगह पर, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, इसलिए हम लोगों का राय था कि कोई दूसरी अच्छी जगह मुनासिब जगह हो, कंजेस्टेड था, लोग को दिक्कत होती थी, और इसको देख करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम लोगों से जहाँ तक जो सहयोग होगा हम लोग करेंगे। नाम बता दीजिए। उमेश रहमानी,
रमौल सिरहा नेपाल। सर आप भी बता दीजिए, अभी तो नेपाल से आए हैं, नाम बता दीजिए। मुजाहिद नदवी रमौल सिरहा से आए हैं, और बहुत देख करके बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा हुआ। हाँ हम लोग पहले से किया था, तो आप नाम बताएंगे? मेरा नाम निशा कुमारी मिश्रा हुआ। निशा कुमारी, ये ओरो डेंटल में आपकी क्या भूमिका है? ओरो डेंटल में मैं रिसेप्शन सीट पर हूँ, और कस्टमर लोग को दवा बताना, देना, उन लोग का नाम एडमिट करना, ये सब मेरा ड्यूटी है यहाँ का। थैंक यू। थैंक यू सर। नेताजी आप अभी ओरो डेंटल में बैठे हुए हैं, उद्घाटन समारोह में आए हुए हैं, तो डॉक्टर साहब को मिठाई भी आप खाए होंगे, निश्चित खाए होंगे, तो आप अपना अनुभव शेयर करें कि डॉक्टर साहब को आप कब से जानते हैं और क्या आप फील करते हैं, मतलब जयनगर में ओरो डेंटल खुलने से। जयनगर में डॉक्टर साहब का बहुत पुराना ओरो डेंटल क्लिनिक था जो बस स्टैंड में चलती थी। आज डॉक्टर साहब बड़ी दिनों के बाद मेहनत करके अपना अस्पताल बनाए हैं, और इस भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित ये जयनगर छोटा सा अनुमंडल है, इस अनुमंडल में इस तरह के व्यवस्था होने से लोगों में जो इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता था वो इस जयनगर में अब उपलब्ध हुआ है, इसलिए लोगों में खुशी है कि अच्छा नयापन लगा, नयापन लग रहा है। राजकुमार जी दो सदा से भी सुनेंगे सर, सर ये ओरो डेंटल के बारे में आपको अपना क्या अनुभव है? हमारा अनुभव है जब ओरो डेंटल बस स्टैंड के तरफ खुला हुआ था, इसका ओपनिंग में भी हम थे, हमारे जिला अध्यक्ष उदयकांत चौधरी थे, उस समय आज से 10 साल या 15 साल पहले हम आए थे, उस ओपनिंग में भी थे। आज इनकी कर्म और इनके योग्यता और लोगों में जो सेवा का भाव दिए, जो इतना बड़ा देख रहे हैं बन के तैयार अपना जमीन लेकर के मकान बना करके लोगों को सेवा में ये कर रहे हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं और यहाँ के लोगों से भी अपील करते हैं आवे एक बार मौका देते हैं और डेंटल में आकर के अपना इलाज कराएंगे। चलिए तो छोड़िए पेशेंट के लिए, हम लोग डॉक्टर साहब को विदा लें। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बेस्ट ऑफ चलेगा, हम वहाँ भी आपके उद्घाटन में थे, हम उदयकांत चौधरी के साथ। आप नाम बताएंगे? मेरा नाम निशा कुमारी मिश्रा। निशा कुमारी, ये ओरो डेंटल में आपकी क्या भूमिका है? ओरो डेंटल में मैं रिसेप्शन सीट पर हूँ, और कस्टमर लोग को दवा बताना, देना, उन लोग का नाम एडमिट करना, ये सब मेरा ड्यूटी है यहाँ का। थैंक यू। थैंक यू सर। काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये उद्घाटन में आ पाए हैं, पहले भी कभी आए थे डॉक्टर के पास, कभी इलाज कराए हैं, अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। आप सर बताइए, इस डॉक्टर साहब से कभी इलाज कराया कि नहीं कराया? जी जी, इलाज करवाया और चार दांत लगवाया भी है जी, और हम तो ये कहेंगे कि जयनगर के धरती पर ऐसा खुला है, बहुत हम लोग को सौभाग्य है कि ऐसा कम से कम देखने के लिए और इलाज के लिए ये जगह हमें मिला है, क्योंकि ये आगे के देख रहे पोर्शन ये चार दांत हमें सर इन्हीं से करवाया है। जी जी सर ही लगवाए हुए हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम हो गया संतोष कुमार मुखिया, पूर्व देवधार दक्षिणी मुखिया जी। थैंक यू।